When you switch on a computer, you hear a beep sound. The operating system gets loaded in the computer memory. Process of the loading the operating system is called booting. देखो क्या होता है कि विंडो जब भी हम कंप्यूटर ओपन करते हैं तब वो विंडो जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो आपको कंप्यूटर ऑन किया आपने एक बीप साउंड जस्ट आप जब बूट कर जाते हो लैपटॉप को तब आपको एक बीप साउंड सुनने को आती है ठीक है। अब वो बीप साउंड क्या है मतलब कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम खुल चुका है ठीक है बूट हो चुका है। बूटिंग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपका खुल चुका है ठीक है। तो उस और वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो चुका है। कंप्यूटर मेमोरी कौन सी जो आपकी रैम है। रैम क्या होती है फिजिकल मेमोरी होती है जो कि किसी भी टास्क को रैंडमली परफॉर्म करने के लिए काम आती है ठीक है। और स्टोरेज के लिए आपकी हार्ड डिस्क होती है और रैम किसी भी टास्क या प्रोग्राम को रन करने के लिए ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो बूट होता है तो आपकी फिजिकल मेमोरी में होता है मतलब रैम में होता है ठीक है बूट। अब क्या होता है देखो विंडोज का लोगो आपको शो होता है ठीक है। विंडोज का लोगो क्या है मतलब कि ये विंडो का साइन है ठीक है। और एक मैसेज आपको शो होगा स्टार्टिंग विंडोज का। जब आप विंडोज खोलोगे तो एक विंडो का आपको मैसेज शो होगा स्टार्टिंग विंडो ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है डेस्कटॉप को फर्स्ट स्क्रीन होता है जो कि हम सबसे पहले कंप्यूटर में बूट करते हुए देखते हैं ठीक है। डेस्कटॉप पे क्या होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको दिखते हैं ठीक है। ये सभी डिफरेंट प्रोग्राम्स है माई कंप्यूटर ये पिक्सार्ट माइक्रोसॉफ्ट मोजिला फायरफॉक्स है ना ये सभी जो आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं ये सब क्या है ये सब प्रोग्राम्स हैं ठीक है। ये आपके सॉफ्टवेयर हैं और जो इसमें जो आपको इसके ऊपर जो एक शो हो रहा है आइकन्स शो हो रहे हैं। आइकन्स मतलब वो उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को डिनोट कर रहा है कि ये हमें सभी ना आइकन सब रिमेम्बर याद हो चुके हैं कि ये अगर ऐसा गोल गोल होगा तो वो क्रोम का होगा या ये जो एक VLC का साइन है ये हमें दिमाग में बैठ चुका है ठीक है। तो ये आइकन जस्ट टू रिमेम्बर द प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दैट वी वांट टू रन ठीक है। तो बस ये आइकन्स किसके लिए होते हैं उस प्रोग्राम को रिमेम्बर करने के लिए होते हैं ठीक है। अब आइकन्स का काम क्या होता है अब आइकन्स क्या होते हैं फोल्डर्स की फॉर्म में भी आपको शो होंगे ठीक है। और शॉर्टकट्स शो होंगे आपको ठीक है। जो कि शॉर्टकट्स का काम क्या होता है जिससे डायरेक्टली आप वहां से अपने डेस्कटॉप से उसको खोल सको। आपको दोबारा माय कंप्यूटर से जाके डिस्क सेलेक्ट ओपन करके वो आपको नहीं करना पड़ेगा डायरेक्ट आप शॉर्टकट से उसको लोकेशन को उस प्रोग्राम को खोल सकते। टास्क बार क्या होता है टास्क बार वो ये जो एक लाइन सी आपको पट्टी सी दिख रही है इसमें कुछ प्रोग्राम्स आपको दिख रहे हैं कि ये प्रोग्राम्स खुले रहे हैं या ये प्रोग्राम्स आप अगर खोलना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली एज अ शॉर्टकट इसको यूज कर सकते हैं। और एक आपको विंडोज का एक आइकन दिखेगा ये वाला विंडोज का जो गोल आइकन है इसमें आपके कुछ प्रोग्राम्स आपको शो होंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस है या आपका माई कंप्यूटर हो गया डेस्कटॉप हो गया वो सब के आपको आइकन शो होंगे। जस्ट एक टास्क बार है जिसमें कि आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर रन करना है तो उसमें आपको एक शॉर्टकट्स दिखेंगे उससे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो या फिर कुछ सिस्टम की फाइल्स खोलनी हो तो वो भी आप खोल सकते हो ठीक है टास्क बार से। अब स्टार्ट बटन पे जैसे हम प्रेस करते हैं ये सब प्रैक्टिकल का है ठीक है। तो इसमें तुम जब इसको अपने लैपटॉप में करोगे तो वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। स्टार्ट बटन में जो स्टार्ट बटन है वो लेफ्ट साइड होता है और नोटिफिकेशन एरिया आपका राइट साइड होता है जिसमें कि आपका स्मॉल ग्रुप ऑफ आइकन्स होते हैं जहाँ पे जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज शो होती है जो आपकी एक्टिविटीज लैपटॉप में हो रही है उसके वो आपकी डिस्प्ले होती है ठीक है। दूसरी चीज क्या है सिक्योरिटी टास्क वगैरह वो शो करता है कि आपका एंटीवायरस वगैरह का स्टेटस शो करता है कि कोई एंटीवायरस आपका इंस्टॉल्ड है तो आपका शो करता रहेगा कि कोई वायरस तो नहीं है कुछ नहीं है। तो सिक्योरिटी टास्क वो चीज हो गई। मेंटेनेंस की जैसे आपका जो बैटरी आइकन हो गया बैटरी आइकन में आपका वो शो होगा कि कितनी परसेंट आपकी चार्जिंग है या चार्जिंग हो रही है या नहीं या फिर आपका वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं नेटवर्क कनेक्टेड है या वो चीज शो होगी। माइक्रो ये आपका स्पीकर होता है स्पीकर की साउंड शो होएगी डेट और टाइम वगैरह शो होएगा। तो ये सब छोटी मोटी चीजें आपको राइट हैंड साइड पे शो होगी। और वहां पर एक एक्शन सेंटर करके ऑप्शन होगा उसको जब आप खोलोगे तो आपके जो भी एक्शन आपने
कंप्यूटर में खोले हुए हैं वो आपको शो होगा उस एरिया में, ठीक है। और फीचर्स क्या है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, विंडोज 7 के डेस्कटॉप गैजेट्स। डेस्कटॉप गैजेट्स क्या होते हैं, छोटी छोटी ये सब आइकन्स होते हैं, जैसे आपके फोन में विजेट्स होते हैं ना, उसी तरह ये लैपटॉप में गैजेट्स करके एक ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें इसका इनका काम क्या होता है, जस्ट एक शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लॉक हो, क्लॉक में आपको उसमें टाइम शो होता रहेगा, ठीक है, एनालॉग पैटर्न में शो होता रहेगा, ठीक है, आपको डेट शो होती रहेगी कैलेंडर की फॉर्म में। तो ऐसे कुछ विजेट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। फोन में उसको विजेट्स बोलते हैं, लैपटॉप में या कंप्यूटर में गैजेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उसमें ये वेदर वगैरह हेडलाइंस वगैरह के आपको शो होते रहेंगे उसमें, ठीक है। दे कैन डिस्प्ले ऑन द डेस्कटॉप बाय द राइट क्लिकिंग ऑन, इसको आपको खोलने के लिए जस्ट आपको बैक क्लिक करना है, वहाँ पे गैजेट्स नाम से एक ऑप्शन होगा, उसमें आप जब खोलोगे तो बहुत सारे आपको गैजेट्स आपको शो करेंगे, ठीक है, क्लॉक कैलेंडर वगैरह का, तो आप उसको अपने स्क्रीन पर पिनअप कर सकते हो, ठीक है। पिनिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल कैन बी पिंड टू द टास्क बार, और कुछ हमें अगर फाइल्स को या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर को हमें शॉर्टकट पिन करना है आपके टास्क बार में, तो वो भी आप कर सकते हो। Just you have to back click on that program or on that software. There will be an option pin to taskbar. You can pin it to either you can pin it to start menu. So there is a separate option pin to start menu. If you want to pin to the taskbar, there is a option pin to taskbar. You have to select that option and after that shortcut will be created either in taskbar or either in start menu. ठीक है, तो ये या तो स्टार्ट मेन्यू में या फिर टास्क बार में आप अपने शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हो। अब आ जाओ जंप लिस्ट, क्या होती है जंप लिस्ट, वो होती है जो भी आपके रिसेंट, जब आप बैक क्लिक करते हो किसी भी टास्क बार पे जो प्रोग्राम ऑनगोइंग प्रोग्राम्स है, जो आपके खुले हुए प्रोग्राम है, उस पर जब आप बैक क्लिक करोगे तो वहां पर एक जंप लिस्ट शो होती है, जिसमें कि आपका वो शो करता है कि उसको अनपिन करना है, क्लोज करना है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो वो सारे ऐसे ऑप्शन आपको शो होंगे, ठीक है, वहां पर जंप लिस्ट में। और कोई अगर रिसेंट आपने ओपन किया तो वहाँ पर वो भी शो हो जाएगा, रिसेंट आपने अगर कोई फाइल ओपन करी है या रिसेंटली आपने कोई डायरेक्टरी ओपन करी है तो वो आपका डायरेक्टली हमारी शॉर्टकट में शो हो जाएगा, ठीक है। लाइव टास्कबार रिव्यू क्या है, लाइव टास्कबार रिव्यू वो है जो कि आपको जैसे आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन हुए हैं मान लो, ठीक है, जैसे पावर पॉइंट में मल्टीपल प्रोग्राम्स हुए हैं, तो आपको अगर उसमें सेलेक्ट करना है कोई अगर स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन कर ओपन करना है तो आप ये एक लाइव टास्क बार प्रीव्यू करके आप देख सकते हो कि कौन सा आपको प्रोग्राम ओपन करना है, कौन सा क्लोज करना है, ठीक है। वहां से आप क्लोज भी कर सकते हो और आप मिनिमाइज करा हुआ ओपन मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्नैप्स क्या होते हैं, स्नैप्स वो होती है जो कि एजेस में जो वर्टिकल एजेस में जो आपके साइड मेन्यू जो शो होती है, ठीक है, जहाँ पर विंडोज में जो कि विंडोज को और इजी बनाता है उसको पढ़ने के लिए या उसको समझने के लिए उसमें काम करने के लिए, ठीक है, जिससे कि आप एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, ठीक है, वहां से स्नैप्स में। और एरो शेक क्या है, एरो शेक वो है कि जहाँ पर आप विंडोज को बंद कर सकते हो, उसको खोल सकते हो या फिर उसको क्लीन कर सकते हो, ठीक है, या आप मतलब क्लीन का बेसिकली मीनिंग ये है कि बंद करना है, ठीक है। और टाइटल बार में वहां पर माउस में आप माउस को शेक कर सकते हो, ठीक है, जो आपको एरो ये देखो ये एरो शो हो रहा है ना, इसमें माउस को हम हिला सकते हैं इससे एरो से, और किसी प्रोग्राम को अगर बंद करना है, ठीक है, वो हम कर सकते हैं इस एरो से, ठीक है। बेसिकली ये आपके माउस के मूवमेंट को शो करता है ये एरो, ठीक है, और इससे कोई भी आप क्लोज करना, बंद करना या फिर कोई क्लीन करना है आपको कोई प्रोग्राम, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। किसी को मिनिमाइज करना है किसी विंडो को, किसी को रिस्टोर करना है मतलब मिनिमाइज विंडो को दोबारा खोलना है, तो वो चीज आप इस पॉइंटर से कर सकते हो, एरो से शो कर सकते हो, ठीक है। और एरो फ्लिप 3D क्या है, एरो फ्लिप 3D में आपको एक 3D फॉर्म में सभी रिसेंट जो आपके विंडोज खुली हुई है ये इस पैटर्न में आपको खुलेगी। जस्ट इसमें आपको क्या करना है कि टैब कंट्रोल कंट्रोल विंडो प्लस टैब ये तीन मेन्यू एक साथ क्लिक करने से आपको 3D फॉर्म में ये सभी विंडोज आपको डिस्प्ले कर जाएंगी, ठीक है। 3D फॉर्म में सभी जो रिसेंट में आपकी विंडोज खुली गई वो आपको ऐसे 3D व्यू में शो होगी, ठीक है। तो ये चैप्टर बाकी ये विंडो 10 के बारे में दिया है, ठीक है, विंडो 10 का लेआउट कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अगर विंडो 10 आपकी इंस्टॉल्ड होगी तो आप ये इजीली आप देख सकते हो, विंडो 10 का नीचे वाला है, ये विंडो 8.1 है,
ठीक है, ऊपर वाली विंडो 8.1 जो कि 2013 में आई थी, 2015 में विंडो 10 आई थी, ठीक है। और ये एक्टिविटी है, देखो इसमें आपको ये फिलअप करना है, आप खुद करना, ठीक है, ये आपको मैंने ऊपर पढ़ा दिया है। लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर, देखो ये सब चीज अब हम कल करेंगे, आज के लिए क्लास यहीं पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। चैप्टर अभी बहुत पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।